सर आपका कटरीना के साथ भी थर्ड कोलैबोरेशन है और सलमान के साथ भी थर्ड कोलैबोरेशन है, तो एज एन एक्टर आपने कितना ग्रोथ यू नो, ऐसे कहते भी है बहुत लोग कि कटरीना इज योर फेवरेट ऑफ कोर्स बिकॉज आप कोई भी फिल्म इमेजिन करते हो तो यू नो कटरीना इज समवॉट इन देयर, सो क्या कहना चाहेंगे, कितना आपने डिफरेंस नोट किया है दोनों में एज एन एक्टर, कितना ग्रोथ आप देखते हैं दोनों में? वेल सलमान सर तो कुछ बोलना ही मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, आई थिंक मैं ही इज़ हैड सच अ एक्सटेंसिव करियर और इतने साल से वो इस देश के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, मैं उनके बारे में हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग सिर्फ उन्हें एक सुपरस्टार की नज़र से देखते हैं, मैं जब भी उनके साथ काम करता हूँ आई सी अ वेरी ब्यूटिफुल एक्टर इन हिम, अ वेरी वनरेबल एक्टर इन हिम विच आई ट्राई टू एक्सप्लोर इन सुल्तान, टाइगर एंड नाउ इन भारत, एंड आई थिंक भारत समवे और द अदर हैज़ एवरी पॉसिबल शेड दैट यू हैव सीन सलमान खान इन. कटरीना आई थिंक यू नो हर एक्टर का एक जब वक्त आता है जब वो ब्लूम करती है अपने क्राफ्ट के साथ, आई थिंक कटरीना इज़ ब्लूमिंग विद हर क्राफ्ट, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने लेटली इवन जीरो में दी है, आई थिंक नाउ व्हेन यू सी भारत यू विल लुक एट हर विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बोथ ऑफ देम हैव कम टुगेदर in Bharat with such special performances, and when an audience sees this they will actually relate to that. सर ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्पेशली व्हेन इट्स अ सलमान खान फिल्म, बट अगर थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड अगर देखें जैसे लास्ट ईयर रेस 3 जब आई थी तो थोड़ा सा नेगेटिव स्लॉट में चला गया था, तो आपको लगता है इस फिल्म को लेकर प्रेशर ज़्यादा है एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो आप पर? आई थिंक एवरी फिल्म इज डिफरेंट, ये ज़रूरी नहीं कि अगर पिछली फिल्म बहुत बड़ी हिट थी तो इस फिल्म को फ़ायदा होगा या पिछली फिल्म का अगर थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन था तो इसका असर होगा. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर डूइंग एंड जिस सच्चाई में मतलब द ऑनेस्टी इन विच यू आर डूइंग दिस फिल्म, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इस फिल्म की एक नीयत अच्छी रही है शुरुआत से, सभी लोग जो जुड़े हैं उनको कोर इमोशन अच्छा लगा है, कोर आइडिया अच्छा लगा है, और जिस तरह से ऑर्गेनिकली ग्रो होके जो भारत बनी है आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, ये सब एकजुट होके ही किया है सब लोग ने, नो दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट. बहुत जब से भारत टाइटल अनाउंस हुआ था एवरीवन वाज गोइंग क्रेजी अबाउट द टाइटल बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज यू नो पहले तो गूज़बम्स ही आ जाते हैं भारत, तो हर कोई नेचुरली कनेक्ट फील करने लग जाता है भारत से, सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द टाइटल बिकॉज टाइटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू नो कोई भी फिल्म बनती है तो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये टाइटल का कैसे आया आपके दिमाग में? सो जैसे सबको पता है ये एक ऑफिशियल अडेप्टेशन है ओड टू माई फादर का, तो जब मैंने फिल्म देखी और भाई ने मुझसे बोला देखो बिकॉज अर्तुल भाई सॉ इट एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल एंड ही थॉट दैट द फिल्म हैज़ अ ब्यूटीफुल सोल, व्हेन आई सॉ द फिल्म आई टोल्ड भाई दैट यू नो देर इज़ समथिंग रियली स्पेशल इन द फिल्म बट इट नीड्स अ कंप्लीट रीराइट फॉर एन इंडियन ऑडियंस बिकॉज हमारी सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट है, हमारा सेंस ऑफ म्यूज़िक अलग है, ह्यूमर अलग है, तो मुझे बिल्कुल नई कहानी लिखनी पड़ेगी. तो जब वो कहानी लिख रहे थे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि वो किरदार का नाम क्या हो, क्योंकि अगर आपके पास किरदार ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, और कहीं ना कहीं क्योंकि इस कहानी का जन्म होता है पार्टीशन पे और वो उस पार्टीशन के ऊपर जो विभाजन हुआ वो इस ऐसी चीज़ का हुआ जिसको हम भारत बोलते थे, तो मुझे लगा कि भारत से बेहतर किरदार और का नाम हो ही नहीं सकता. तो फिल्म ऐसी नहीं है कि आपको इसमें एक जिंगोइज़म दिखेगा और देशभक्ति की कुछ अलग लहर दिखेगी, जो पिक्चर के अंदर आपको दिखेगा कि किन उसूलों पर ये देश बना है और किस तरह से वो उसूल कितने खूबसूरत हैं. द होल आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टुगेदरनेस, ब्रदरहुड, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दोज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भारत एंड समवे और द अदर दैट इज़ आर यू नो दैट इज़ वॉट आर एम फ्रॉम द फिल्म इज दैट वैन पीपल वॉच इट दे अंडरस्टैंड उस किरदार के थ्रू कि ये देश कितना खूबसूरत है. यू नो जैसे मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश लोगों से बनता है एंड द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री इज़ द पीपल दैट स्टे इन दिस कंट्री. जितने डिफरेंट कल्चर से, लैंग्वेजेस से, कलर्स से हम लोग आते हैं लेकिन फिर भी इतने सालों से को एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में इतने सेलिब्रेशन के साथ, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस नेशन. एंड समवे ऑर द अदर द फिल्म इज़ बाउंसिंग ऑन द सेम एनर्जी.